आगामी 7 मई को दुर्ग जिले में लोकसभा के लिए मतदान होना है। इस मतदान में शत प्रतिशत मतदान करने के लिए सभी सरकारी महत्व में और कुछ निजी संस्थाएं भरपूर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग जिला प्रशासन एवं दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सिविक सेंटर भिलाई में एकत्र होकर बाइक रैली का आयोजन किया गया। आगामी 7 मई को दुर्ग जिले में लोकसभा के लिए मतदान होना है। इस मतदान में शत प्रतिशत मतदान करने के लिए सभी सरकारी महत्व में और कुछ निजी संस्थाएं भरपूर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग जिला प्रशासन एवं दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सिविक सेंटर भिलाई में एकत्र होकर बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली के माध्यम से आम जनमानस को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जरूर से जरूर मताधिकार का प्रयोग करके एक बेहतर सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। सैकड़ों की संख्या में दुर्ग जिला प्रशासन एवं दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे, इस कार्यक्रम में जागरूकता लाने के लिए प्रयास करते रहे और साथ ही अपनी भागीदारी निभाई। इस मौके पर दुर्ग रेंज के आईजी, दुर्ग जिला कलेक्टर एवं दुर्ग जिला एसपी उपस्थित हुए, जिन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी दी। 7 मई को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने हैं, उसी को लेकर के जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं और उसी क्रम में एक बाइक रैली हमने आयोजित की है जिसमें जिला प्रशासन के और हमारे सिटीजन उसमें शामिल हुए हैं। प्रयास हमारा ये है कि जितने भी हमारे वोटर के कैटेगरीज हैं, हमारे चाहे वो यंग वोटर्स हों, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन हों, हमारी महिलाएं हैं, दिव्यांग वोटर्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करने वाले हैं, सब तक हम पहुंच रहे हैं। और 7 तारीख को हम आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके मतदान केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, सुबह 7 बजे आपके मतदान केंद्र खुल जाएंगे तो आप बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे। आधे घंटे का समय देश के लिए जरूरी है। यहाँ दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा बाइक रैली आयोजित की गई है स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत, जिससे ये पब्लिक को मैसेज दिया जा रहा है कि आगामी 7 मई को जो लोकसभा चुनाव यहाँ आयोजित हैं उसमें अधिक से अधिक मात्रा में आकर मतदान। दुर्ग पुलिस की तरफ से इन लोगों को आग्रह है कि मतदान मताधिकार का उपयोग अधिक से अधिक करें और साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करें। 7 मई को दुर्ग में मतदान है और हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पर्व जो होता है वो चुनाव पर्व होता है। सभी मतदाता, उनकी ये जिम्मेदारी भी है और हर त्यौहार में जिस प्रकार हम अपना पार्टिसिपेशन करते हैं खुशी खुशी, उसी तरह चुनाव पर्व में भी हमको जिम्मेदारी के अलावा बढ़ चढ़ के अपने उत्साह के साथ स्वयं आगे बढ़ के 100% मतदान की तरफ हमको इंश्योर कराना चाहिए कि हम इस चुनावी पर्व को अपने मतदान के द्वारा इतना हरा भरा बनाए, इतना आकर्षक बनाए कि जो हम मतदान करें उससे एक अच्छी सरकार बने और वो अच्छी सरकार हमारे भविष्य, हमारे देश, हमारे शहर, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा काम कर सके। तो मेरी सभी से अपील है कि 7 मई को दुर्ग के सभी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलें, गर्मी और इसका चिंता ना करें, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पे की गई हैं। बिना सोचे समझे आए, अपना मतदान का प्रयोग करते हुए अपने अगले 5 साल के भविष्य और अपने अगले 5 साल के जिम्मेदारियों के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन करें और साथ ही इस चुनावी पर्व में अपनी भूमिका बढ़ चढ़ के निभाएं। पूरे देश भर में मनाए जा रहे इस लोकतंत्र के पर्व में दुर्ग जिला अपनी भागीदारी निभाने को तैयार है। देखना होगा कि इस लोकसभा के चुनाव में दुर्ग जिले से कितने प्रतिशत मतदान हो पाते हैं। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।